Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to look an overview of this the UPSC Commerce Optional Book Financial Market and Institution. आज के सेशन में हम हमारी एक और प्रॉमिस जो हमने आपसे किया था कि हम हर एक बुक का डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो ये यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की हम नेक्स्ट बुक फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन की जर्नी के थ्रू आपको लेके जाना चाहते हैं ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंटली कर सकें. ठीक है, ये बुक जो है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, ये एक सेपरेटली बुक है. ठीक है, इट्स नॉट अ नोट्स, ये कम्प्लीटली बुक है और ये आपके यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल मेंस पेपर वन का पार्ट बी. पार्ट बी में एफएम और एफआई आता है आपका, तो एफएम का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये आपका जो है फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. तो चलिए देखते हैं हमारी ये बुक कैसी है ताकि आपको हम हेल्प कर सकें कि आप इसको कैसे रेफ़र करें और ये कैसे आपके लिए यूज़फुल होगी. ठीक है, तो सेम स्ट्रैटेजी हम रेफ़र करेंगे कि हमारा यूपीएससी का सिलेबस क्या है और क्या हमारे वो सारे पॉइंट्स जो सिलेबस में मेंशन है वो कवर हैं या नहीं. ठीक है, क्योंकि अंडर वन रूफ सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका मैक्सिमम टाइम आपका सेविंग होता है, आपको हर वक्त गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, या 10 तरीके की बुक्स नहीं लेनी है आपको. ठीक है, तो ये ज़रूरी है मैच करना कि आपके सारे पॉइंटर्स कवर है कि नहीं. तो सबसे पहला है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू. तो हम देख सकते हैं हमारे इंडेक्स में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मेंशन है. नेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट, तो हम देख सकते हैं हमारा मनी मार्केट भी मेंशन है. उसके बाद है आपका कैपिटल मार्केट, तो हम देख सकते हैं कैपिटल मार्केट सेपरेटली कवर्ड है. ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, तो हम देख सकते हैं म्यूचुअल फंड वेंचर कैपिटल सेपरेटली कवर्ड है दोनों चैप्टर्स को. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो हम देख सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इंश्योरेंस एंड IRDA, तो हमारे पास इंश्योरेंस एंड IRDA हैं. तो आपने ये तो देख लिया कि सारे सिलेबस में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक रूफ में यानी एक बुक के अंदर सारे चीज़ें कंपाइल्ड होकर आपको मिल रहे हैं. उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये आता है कि ये लिखे कैसे गए हैं और क्या इस बुक को रिफ़र करने के बाद आपको कोई और बुक की ज़रूरत पड़ेगी या ये बेसिक से नहीं है, सीधे जंप किया गया है आपके यूपीएससी लेवल पे, तो हम उसको भी एक बार ओवरव्यू करते हैं. तो हम जंप करते हैं डायरेक्टली मनी मार्केट में. ठीक है, कोई भी देख सकते हैं बट मनी मार्केट लंबा जो है आपको ज़्यादा ओवरव्यू लेगा. आपको एक बेसिक आइडिया है मनी मार्केट का क्योंकि इकोनॉमिक्स GS पेपर 3 का भी पार्ट रहा है ये. ठीक है, तो ये मनी मार्केट है, इंट्रोडक्शन है पहले कि होता क्या है, क्यों पढ़ना है आपको. उसके बाद उसके फीचर्स हो गए, आपने देखा मनी मार्केट क्या है उसे एक्सप्लेन किया है, फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स बताए गए हैं, फंक्शंस क्या हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है मनी मार्केट का, RBI का रोल क्या है मनी मार्केट में. ठीक है, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं. ठीक है, कंपोजिशन क्या है मनी मार्केट का, और हर एक मार्केट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. लाइक कॉल मनी मार्केट का टॉपिक उठाया, उसे एक्सप्लेन किया है. जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है उसे बोल्ड किया गया है, अंडरलाइन किया गया है. सेम स्ट्रैटेजी मेजर पार्टिसिपेंट्स को डिस्कस किया गया है कॉल मनी मार्केट में, उनके एडवांटेज ड्रॉबैक्स यानी डिसएडवांटेजेस को. और उसके बाद RBI का रोल क्या है मनी मार्केट में, कॉल मनी मार्केट में, उसे सेपरेटली डिस्कस किया है. फिर कमर्शियल बिल मार्केट है आपका, उसे एक्सप्लेन किया है दो लाइन में. कमर्शियल बिल क्या होता है उसे सेपरेटली जो है एक्सप्लेन किया है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक वर्ड यूज़ हुआ है कमर्शियल बिल में, तो उसे भी सेपरेटली एक्सप्लेन किया. अब आपके मन में जो डाउट था कि क्या ये डायरेक्ट जंप किया गया है UPSC लेवल पे, नहीं, तो आप देख सकते हैं आपको बेस से कनेक्ट कराया जा रहा है हर जगह पे. ठीक है, तो आपको ये वरीड नहीं होना है कि ये डायरेक्ट जंप नहीं, आपकी बेसिक्स से ही लेकर के आपको. अब भाई बेसिक्स में ये तो माना जाता है आपको कि ABCD तो आता हो. ठीक है, तो ये बेसिक्स आपके जनरली ग्रेजुएशन लेवल की बेसिक्स से आपके डॉट कनेक्टेड हैं, प्रोबेबली 11th-12th भी कवर्ड हो जाता है जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है. टाइप्स क्या हैं कमर्शियल बिल के, सेपरेटली मेंशन किए गए हैं. एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए. फिर उसके बाद ट्रेजरी बिल मार्केट एक्सप्लेन किया गया है उसको सेपरेटली, ट्रेजरी बिल मार्केट को, उनके फीचर्स को सेपरेटली हाईलाइट किया गया है. टाइप्स को सेपरेटली मेंशन किया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को सेपरेटली. शॉर्ट टर्म लोन मार्केट मेंशन किया है, कमर्शियल पेपर पे लंबा चौड़ा थ्योरी दे दी है सेपरेटली. उसके बाद जो है कौन कौन से कॉरपोरेट एलिजिबल होते हैं यानी आपके लीगल टर्म्स में भी जो बातें हैं वो भी मेंशन कर दी गई हैं. ठीक है,
उसके बाद सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया, इश्यूअर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजेंट का क्या हो सकता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद जो गाइडलाइंस है कमर्शियल पेपर को लेकर के बैंक की, तो उसे भी सेपरेटली मेंशन किया गया है, ठीक है। टाइप्स को सेपरेटली मेंशन किया गया है कमर्शियल पेपर के, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी खासी थ्योरी आपको कमर्शियल पेपर में यहाँ पे मिल चुकी है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे आप देख सकते हैं बेसिक्स कवर की गई हैं, एलिजिबिलिटी बताई है कितना अमाउंट होना चाहिए, मिनिमम साइज़, कौन सब्सक्राइब कर सकता है, क्या मेचोरिटी अमाउंट होगा, डिस्काउंट रेट क्या रहना चाहिए, रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट है, ऐसे कई सारे पॉइंटर्स कवर अप किए गए हैं, आप देख सकते हैं खुद, मैं इसलिए आपको कनेक्ट करा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपका रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी रिपो रेट्स के बारे में है, पार्टिसिपेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, पहले बुलेट में दिया गया है फिर डिटेल में भी बताया, ताकि आप बुलेट से आप रिवीजन कर लें। तो देखिए, एक तो बेस से कनेक्टेड है, आप ये दिख रहे हैं, उसके बाद आपको कोई और बुक लेनी नहीं और कोई पेपर भी नहीं उठाना रिवीजन के लिए, जो ही आपके हेडर और फुटर में स्पेसेस हैं आप यहाँ पे अपने बुलेट पॉइंट्स या अपने वैल्यू एडेड पॉइंट्स या न्यूज़ की मैगजीन्स आप जो भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं वो आपको एक ही बुक में रखनी है। तो हमारी कोशिश यही है आपकी कि एक ही बुक के अंदर आपने कोई भी पॉइंटर्स ऐड ऑन करना है, इसलिए ये एम्पल स्पेस छोड़ दी गई है कि अगर न्यूज़ के कोई अमेंडमेंट्स हैं या आप प्रॉपर स्पेस है कई जगहों पे आप उसे चाहें तो उसे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार ओवरव्यू एक ब्रीफ दिखा दिया, ठीक है। यह है आपका रिफॉर्म्स है बैंकिंग सेक्टर का, काफ़ी लंबा चौड़ा ये रिफॉर्म्स मेंशन किया गया है, जो है कमिटी के रिपोर्ट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने आपको एक जस्ट ओवरव्यू क्विक ओवरव्यू दे दिया है ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग जो है यार अच्छे से कर सकें। एक और मैं चैप्टर्स आपको कनेक्ट करा देती हूँ ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा और जो है बूस्ट हो जाए। चलिए, ये खुल गया हमारे सामने म्यूचुअल फ़ंड। तो मीनिंग क्या है म्यूचुअल फ़ंड की, इसे सेपरेटली एक्सप्लेन किया गया है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड आपके म्यूचुअल फ़ंड को एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद इनकम एंड है, ग्रोथ फंड होते हैं, बैलेंस्ड फंड होते हैं, अदर पॉपुलर फंड्स जो हैं मनी मार्केट, टॉप सेविंग स्कीम, इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड, एनएवी क्या होती है, एफआईआई क्या होते हैं, फिक्स्ड इनकम फंड क्या है, इक्विटी क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कितनी सारी बातें मेंशन हो गई हैं। तो आपको ये समझ जानी चाहिए कि ये बेसिक से यहाँ पे कवर अप किया गया है, सारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको बेसिक से कनेक्ट कराया गया है, फीचर दिए हुए हैं, एडवांटेजेस भी दिए हुए हैं, डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ जो है म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व होती है उनको भी एक्सप्लेन किया गया, लाइक इन्वेस्टर क्या है, स्पॉन्सर्स क्या हैं आपके, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, ट्रस्टी कौन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, रजिस्ट्रार का क्या रोल रहता है, ठीक है, डिपॉजिटरी या कस्टोडियन का। तो देख रहे हैं आप, वेंचर कैपिटल पे भी ऐसे लंबी जो है आपको मीनिंग वगैरह दे करके फीचर्स एडवांटेजेस ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपकी जो है ये बुक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड है एज़ पर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। तो पहला एक पॉइंटर आप जो देखते हैं कि भाई हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो सारा कवर अप हुआ है कि नहीं, तो ये तो मैंने आपको इंडेक्स से कवर अप करा दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी कवर अप करा दिया कि ये जो पॉइंटर्स हैं वो दिए कैसे गए हैं, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि ये आपके जो है सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं और बेसिक से लेकर के आपके एग्ज़ाम लेवल तक कवर अप कर रहे हैं। तो आपको किसी और बुक की ज़रूरत है या नहीं, आप इस एनालिसिस के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये बुक एक्चुअली में एक बुक है होलिस्टिकली आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद न्यूज़ के अपडेट्स जो आपके रिलेवेंट न्यूज़ के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो सेपरेटली आपके पास इंडेक्सेस स्पेसेस क्रिएट किए गए हैं, आप अपनी राइटिंग भी यहीं पे कर सकते हैं। यानी आपको एक ही बुक खोलनी है, बार बार मल्टीपल बुक्स खोल के या सेपरेट नोटिंग्स बना करके आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक पेज में अच्छी खासी स्पेसेस हैं, तो ये ना आप अपना बेनिफिट उठा सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ नोटिंग करने, हेडर फूटर में तो है ही जो स्पेसेस हैं आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेसेस हैं। तो आपको कोई और सेपरेटली जो है आपको देखिए, बुक के एंड में भी आपके पास पेजेस आपको मेंशन की हुई हैं, तो आपको कोई और जो है नोट्स या बुक्स बनाना, उसे अननेसेसरी कैरी करना, और बहुत ही फ्रेंडली है, हर एक बुक जो है हर एक सब्जेक्ट एक सेपरेट बुक के फॉर्म में है जिसको आप वेरी इजीली हैंडल कर सकते हो। कवर अप कर लिया, आप कॉन्फिडेंट होगे कि चलो एक सब्जेक्ट मेरा कमांड हो गया, इजी टू हैंडी है और इजी टू रिवीजन है, मल्टीपल रिवीजन देने में भी आपको हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि अगर हम इसे बाय करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम सिर्फ एक इंडियन प्लेटफॉर्म पे इस बुक को लिस्ट किए हैं जो है फ्लिपकार्ट। वहाँ पे
डिपेंड ऑन स्टॉक अवेबिलिटी आपको अपडेट मिल जाती है। फ्लिपकार्ट में आपको कॉस्ट थोड़ा सा हाई मिलेगा बिकॉज फ्लिपकार्ट के खुद के कमीशन एंड पैकिंग कॉस्ट हैं वो वहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट से बाय करने पे कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट सर्विसेज नहीं मिलेंगी और आप चाहें तो आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट की जो कमीशन कॉस्ट है और आपकी फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग कॉस्ट है उसे हटा दिया गया है, वो वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगी, तो आपको नेट कॉस्ट पड़ेगी। प्लस आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट सर्विसेज लाइक न्यूज़ का सपोर्ट, अगर आप एलिजिबल प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं बुक्स का भी, तो आपको न्यूज़ का सपोर्ट है, एनसीईआरटी का कवरेज है और न्यूमेरिकल के वीडियो क्लासेस का सपोर्ट है, वो सारी चीज़ें भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट ऑन डायरेक्ट परचेज है, तो आप कॉन्फिडेंटली अगर डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप टीम के पास अप्रोच कर सकते हैं। ये अवेलेबल है आपको एज अ पेपर वन एंड पेपर टू ऑफ UPSC कॉमर्स ऑप्शनल। तो ये कम्प्लीटली बुक आपके सामने है। मेरी कोशिश रही कि मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशंस से इंट्रोड्यूस करा दूँ एंड आई बिलीव मैं आपको हेल्प कर पाई कि आप एक जेन्यून और एक राइट डिसीजन मेकिंग ले सकें, ताकि आपका जो कीमती समय आप अपने आपको मेन अल्टीमेट क्या है, ये एग्ज़ाम को पास करना और इस गोल को अचीव करना। तो ये एक हमारी सी छोटी सी कोशिश कॉमर्स ऑप्शनल की तरफ से कि आपको हम मैक्सिमम नॉट इवन 100% 200% जितना पॉसिबल सपोर्ट हो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारी एनालिसिस रही फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन की। हम और भी बुक्स का कवरअप करेंगे, ऑल 10 बुक्स का कवरअप करेंगे एनालिसिस, आप उसे रेफ़र करें एंड देन यू कैन मेक योर ओन डिसीजन, बिकॉज आप ऑफिसर हैं और हर पल आपको खुद के डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आज ही से आप उसे स्टार्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट, हम फिर से कनेक्ट होंगे हमारी नेक्स्ट बुक एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।